सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 25 जुलाई 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:03 हो रहे. आज मंथली एक्सपायरी का दिन है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का, स्टॉक का भी और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी. तो काफी वोलेटाइल मूव आज देखने को मिल सकता है. सो फ्रेशर्स है, नए है मार्केट में, वो आज सिर्फ वेट एंड वॉच करे, मूवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करे. कल हमने देखा कि और भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट आ रही थी. जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था इसके पास, वीकली चार्ट के 50 EMA के पास ये निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है. तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल क्या हो सकते हैं, कहां से बाउंस बैक की फिर से उम्मीद की जा सकती है, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 24 जुलाई 2019 आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है. कल के वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के एनालिसिस के हिसाब से कल ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 11,345 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,302. तो जैसे कि आप देख रहे, ओपन होने के बाद ही इस लेवल ब्रेकआउट लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया. ये 10 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का हर्डल्स आ रहा था. तो इसका रेजिस्टेंस लेके ये फिर से क्विकली ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ और जैसे हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 11,289 ये अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,273 ये भी अचीव हुआ. और मार्केट खत्म होते होते ये जो सेकंड टारगेट का लेवल था उसी के पास ऑलमोस्ट आके ये क्लोज हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. अभी जो ब्रेकडाउन और फर्स्ट टारगेट का ये जो लेवल होता है, तो इसका ये जो रेंज होता है, ये जो रेंज होता है टॉप टू बॉटम किसी भी ट्रेडर को नहीं मिलते. टॉप टू बॉटम किसी भी ट्रेडर को नहीं मिलते. 11,344 के ऊपर सस्टेन होना बहुत काफी जरूरी होता है. सस्टेन होना यानी क्या, 10 या 15 मिनट के चार्ट में ये इसके ऊपर रहना चाहिए, क्लोज देना चाहिए, तभी जाके इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं. और ये जो टॉप टू बॉटम है इसका अगर हमें 50% भी अगर मिल जाए ट्रेडर को तो काफी बहुत कुछ होता है. टॉप टू बॉटम एग्जैक्ट किसी ट्रेडर को नहीं मिलता. एंट्री एग्जिट अलग अलग होते हैं. इस रेंज के बीच में रिटेल ट्रेडर को अपना हिस्सा लेके ट्रेड के बाहर निकलना होता है. तो ये ट्रेडिंग का एनालिसिस करना और एक्चुअल ट्रेडिंग करना, इसमें काफी फर्क है. सो बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग. ये लेवल्स है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपको आसानगी रहे ट्रेड करना, इसके लिए एनालिसिस करते हैं और इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देखते थे क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 79 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि नासडैक 70 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार में भी मिला जुला कारोबार देखने को मिला और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के 77 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट भी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है. हांगकॉन्ग मार्केट में 70 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 34 पॉइंट की बढ़त अभी इस समय दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट के एक हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से प्रेशर के संकेत आ रहे हैं, लेकिन हालांकि थोड़ा रिकवरी, थोड़े पुल बैक की उम्मीद की जा रही है. तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. अगर आप हमें कई सारे दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर एज पर वीकली चार्ट ये नीचे सपोर्ट का लेवल्स ये 50 EMA जो कि अराउंड 11,225 के पास है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है. तो कल का लो भी इसी के अराउंड 11,229 के अराउंड इसने लो लगाया. तो अभी यहाँ पर ये काफी क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि इसी के पास अगर पास्ट में आप देखें तो यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है, ये इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक हुआ है. अगर इस लेवल को ये पेनेट्रेट भी करता है तो नीचे 11,120-11,130 के पास ये आकर फिर से ऊपर जा सकता है. अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, 2018 में जब ये LTCG टैक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था बजट के बिल में, तो यहाँ पर ये फॉल आया था.
और उसके बाद इस लेवल को कई सारे दिन ये पेनेट्रेट कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब इस लेवल के पास आया था तभी इसने यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दिखाया था। तो ये लेवल अभी काफी क्रुशियल होगी 11,120-11,130 के पास, और ये 50 ईएमए का ये जो मूविंग एवरेज है एज पर वीकली चार्ट, तो ये पेनेट्रेट हो सकता है। सो अभी यहाँ से लॉन्ग जाना अभी भी काफी रिस्की साबित हो सकता है। और ऊपर में ये रेजिस्टेंस, ये 20 ईएमए का एज पर वीकली चार्ट अराउंड 11,500 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को 150 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया था, ये जो ब्राउन लाइन है, तो आप देख सकते हैं दो दिन इस सपोर्ट को ये टेस्ट कर रहा था, यहाँ से बाउंस बैक होने की उम्मीद थी, लेकिन कल ये भी इसने ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट लेवल। तो अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, वो अभी 11,130 के पास आ रहा है। 130 का लेवल ही जो पास्ट में यहाँ से फॉल दिखाई दिया था, ये जो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये जो लेवल, अभी ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। इसी लेवल के पास से यहाँ से बाउंस बैक हुआ था अभी कुछ ही महीनों पहले, यानी मई के मंथ में, और यहाँ पर भी ये दो बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्ट किया, और यहाँ पर पास्ट में रेजिस्टेंस टेस्ट किया। तो अभी जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में सपोर्ट का काम करता है। अभी इसी लेवल के पास हमारे तीन पॉइंट आ रहा है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है, फिर पास्ट में यहाँ पर ये स्विंग लो बना है, फिर उसके पास्ट में देखे तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल पे काफी टाइम निफ्टी इंडेक्स एक पॉज ले रहा है, यू टर्न ले रहा है, तो ये काफी क्रूशियल लेवल होगा 11,120-11,130 के पास। अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा और पैनिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, RSI की बात करें तो ये 30 के लेवल के पास है, जो कि ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। आप देख सकते हैं इन लेवल जो है 30 का लेवल, ये अभी फिर से 30 के लेवल के पास है, ये रहा ये 30 का लेवल। यहाँ पर जब भी ये RSI आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ से कल भी हमने ये देखा था, लेकिन अभी तक ये 30 के लेवल के पास आ चुका है, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी कुछ यहाँ पर टर्न रिवर्सल ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिले। सो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट एक एक करके सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अगर ये 200 डेज का सपोर्ट ब्रेक करता है तो और पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो ये है वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए, क्विकली इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट, कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आवर्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, जहाँ पर अभी पिवट पॉइंट का ये 11,286 का लेवल आ रहा है। तो इस पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 11,287 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है, तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,312, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये 20 ईएमए जो कि अभी अराउंड आ रहा है 11,330 के पास आ रहा है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली कल का लो जो है वो ब्रेक होने दीजिए, कल का लो यानी 11,229 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट S1 का, ये जो पिवट पॉइंट है अराउंड 11,214 के पास, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,200, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है,
तो ये है निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स आज के लिए। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।